लॉन्चिंग कहीं भी किसी भी सैटेलाइट का डिफिकल्ट है काम है। अच्छा, ये डिफिकल्ट इसलिए भी है कि हम लोग ऐसे टेरिटरी में जा रहे हैं, ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां कि कुछ हमें मालूम ही नहीं कि वो कहां पर है। कोई ऐसा बिंदु नहीं है जिसके ऊपर जाना हमें, हम लोग ऐसे जगह पर जा रहे हैं। अब लॉन्चिंग के बाद हम लोग को दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात चली आती है कि सिर्फ लॉन्चिंग सक्सेसफुल होने से ही सारा काम नहीं हो जाता है। अब इसे पृथ्वी के चारों तरफ हम लोग एक दो बार इसे घुमाएंगे, अपोजी परिजी अपोजी परिजी, और फिर एक उसके बाद में इतनी शक्ति चली आएगी कि पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। अब समस्या यहां पर शुरू होती है। जैसे ही वो पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर चला गया और सूर्य की ओर चलना शुरू किया, तो हम लोग को इसे प्लेस करना उस ऑर्बिट में जहां पर कि जिस स्थान पर कि सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है वह कम से कम हो। तो लॉन्चिंग इसका सक्सेसफुल रहा। सक्सेसफुल का मतलब हो गया कि इसे हम लोग अपनी कक्षा में इंसर्ट कर देंगे। यह लॉन्चिंग PSLV हुआ है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। मतलब कि चंद्रयान के लिए जो लॉन्चिंग किया गया था वो इतना शक्तिशाली था, यह उतना शक्तिशाली नहीं है। जाहिर है इसका वजन भी अपेक्षाकृत कम है, 1500 किलोग्राम का है। लेकिन जिस समय इसकी संकल्पना ली गई थी 400 किलोग्राम का था, लेकिन इसको पेलोड डालते 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 1500 किलोग्राम, मतलब कि भारत में विद्यमान जो बहुत हावी SUV होते हैं उसके बराबर का इसका वजन है। अब यह अंतरिक्ष में, यहां से सफलता की शुरुआत होती है। अंतरिक्ष में गया तो अंतरिक्ष में हमारे पास में दो मुद्दे आते हैं। एक तो यह कि नेविगेट करना पड़ेगा उसे, तो नेविगेशन का हमारा अनुभव रहा है। चंद्रमा पर अभी हम लोग थोड़े दिनों तक गए, वो अनुभव रहा है। फिर मंगलयान पर भी हम लोगों ने भेजा, वो अनुभव रहा है। तो जब नेविगेशन की बात आती है तो एक ऐसा अंतरिक्ष का खाली स्थान है जहां से कि आपको कुछ भी रास्ते का पता नहीं है, और तब आपको नेविगेट करना पड़ता है। नेविगेशन अपने आप में बहुत चैलेंज होगा, और इस जगह पर भेजना जिसे हम लोग कहते हैं L1 अपने आप में चैलेंजिंग रहेगा। दूसरा जो चैलेंज आता है इस स्थान पर वह आता है कम्युनिकेशन। जब यह नेविगेट कर रहा होता है और करता करता है तो हमेशा उसके साथ में आपको संपर्क बनाए रखना है। यह संपर्क बनाना डिफिकल्ट है दो कारणों से। एक तो हमारे पास उतने सेटेलाइट नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया है, जापान से अच्छी खासी मदद ली है इस संदर्भ में, और वो हमारी मदद भी कर रहे हैं कि इसको हम लोग का कम्युनिकेशन बना रहा है। अब ये दोनों चीजें चली आती हैं यहां पर, और कम्युनिकेशन करके हम लोग इसी कक्षा में अब इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट जब करेंगे यहां पर तो वह L1 पॉइंट होगा। L1 पॉइंट का महत्व यही चलाता है कि उस स्थान पर जो ग्रेविटेशन फोर्स है और सेटेलाइट के सेंट्रीपिटल फोर्स है दोनों बैलेंस रह सकते, टंगा रह सकता है उस स्थान पर। अब मान लेते हैं इसे आपको सूचना कुछ मिली, तो सूचना क्या मिलती है कि चला गया और हम लोगों ने मान लिया कि उस स्थान पर है, तो 1440 यह फोटोग्राफ भेजेगा हर दिन। जो 1440 फोटोग्राफ भेजेगा तो उसमें दो बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक कि उसका तुरंत इंटरप्रिटेशन करना है, उसे डाउनलोड करना है, उसे इंटरप्रेट करना है। अगर डाउनलोड कर लिया तो इंटरप्रेट इसलिए करना है कि वो आगे में कोई भी ऐसी गलती वो करना चाहे तो नहीं करने दिया जाए, इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आप सोचिए कि 5 सालों तक इतने फोटोग्राफ वो लेकर भेजेगा, इसका इंटरप्रिटेशन ही सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशन से ही हम लोग को जानकारी मिलेगी। और ये इस इंटरप्रिटेशन को हम लोग मूल रूप से, इसके पास 5 पेलोड है, लेकिन एक है सूट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग इमेजिंग टेलीस्कोप, यह है जो मुख्य काम करेगा वह अल्ट्रावायलेट किरणों के सहारे पूरे सूर्य को मैप करने का। एक है दूसरा वीरीएस, यह क्या काम करेगा कि कोरोना के ऊपर में किसी तरह का एक ब्लॉकेज डाल देगा तो सूर्य नहीं दिखेगा। जब सूर्य नहीं दिखेगा तो इसके, जैसे कि ग्रहण के समय होता है कि ग्रहण के समय अगर चंद्रमा बीच में आ गया पृथ्वी के तो सूर्य नहीं दिखता है, और अगर ये नहीं दिखेगा तो इसका कोरोना का अध्ययन किया जा सके। यह कोरोना का अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि यह पता ही नहीं चल पा रहा, आज तक हम लोगों को पता नहीं चल पाया कि सूर्य के गर्भ में 15 लाख डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और सतह पर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान, और इससे जो CMA कोरोनल मास इंजेक्शन होता है उसका तापमान चलाता है 2 लाख 3 लाख 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड चलाता है। तो यह अध्ययन करने में हम लोग को मदद मिलेगी। और फिर पापा प्लाज्मा का अध्ययन है यह, और इस प्लाज्मा के अध्ययन से हम लोग यह मालूम कर पाएंगे कि वास्तविक रूप में कितना गर्म है, कितनी अधिक ऊर्जा है, और क्या चाहिए हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपने स्पेस एसेट को।
तो मूलतः अब यह काम करना शुरू करेगा स्पेस वेदर का, स्पेस के मौसम का, अंतरिक्ष के मौसम का। और अंतरिक्ष का मौसम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष के मौसम में ही सारे के सारे सैटेलाइट हैं। अब सैटेलाइट में एक सैटेलाइट में समस्या चली आती है, अगर मान लेते हैं इसे चार्ज पार्टिकल्स आए और एक में समस्या चली आती है और वह किसी भी तरीके से नष्ट हो जाता है, अपने मार्ग से भटक जाता है, आप कल्पना कर सकते हैं उसके बाद में हो सकता है सैटेलाइटों के टकराने की और स्पेस डेब्रिस की लड़ी लड़ जाएगी। स्पेस फिर रहने लायक नहीं रह जाएगा, वो इतना खतरनाक स्थान हो जाएगा। तो इन सभी चीजों से निपटने के लिए, बचने के लिए, इसका प्रबंधन करने के लिए अब आदित्य L1 पूरी तरह से तैयार हो जा रहा है। तो बधाई का पात्र किसे समझे गए आप? जाहिर है वैज्ञानिक है, इस पूरे पहलू पर बधाई का पात्र है, लेकिन आप इसको सिंगल आउट नहीं कर सकते। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या किया, इसरो के लिए बजट को डबल कर दिया, वो भी बधाई के पात्र हैं। हमारे ऐसे लोग जो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। अब पूरा का पूरा भारत है वह चंद्रयानमयी हो गया है, अब सूर्यमयी हो जाएगा। यह है तो यह भी है कि लोगों को मालूम चल पा रहा है और उनके साइंटिफिक टेम्पर में बहुत बदलाव आ रहा है। और वो साइंटिफिक टेम्पर बदलाव आएगा तो साइंटिफिक टेम्पर में बदलाव का मतलब होता है कि उनके पास में क्वेश्चन आते हैं। कैसा क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं तो आपकी बौद्धिक क्षमता बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल शून्य है। क्या क्वेश्चन होगा, उसी क्वेश्चन के, उसी प्रश्न के प्रत्युत्तर में आप इन सब चीजों को उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। और जब उत्तर जानते हैं उसी हिसाब से आप पेलोड तैयार करते हैं और उसी हिसाब से यह काम भी आगे चलता है। सबसे पहले तो हमारे मन में प्रश्न आने चाहिए कि हमें क्या, किस क्वेश्चन का आंसर चाहिए।